ये बीबीबी एफएटू के एग्जाम के सॉल्व करते हैं, आवाज नहीं है। बीबीबी एफएटू के एग्जाम के रिसीवेबल एंड रिकवरेबल डेट। क्वेश्चन नंबर 8.1 रीड कर रहे हैं। सिंपल है, आंसर बताएं। जी बैलेंस शीट का पूछ रहे हैं ना। चलिए सी ए, ये अच्छा लग रहा, बात करो। जी ए और सी ए आंसर है, ठीक है। ओए इंसान के बने, इंसान के देखिए, हमने बैलेंस शीट बनाई थी अभी। बैलेंस शीट में क्या लिखा हमने? अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर रिसीवेबल, नेट रिसीवेबल आ गए ना। तो आंसर ए होगा। ये आंसर आएगा, ठीक है। अब रिसीवेबल्स कितने हैं? 54,854 माइनस करेंगे 3,770, माइनस करें, ये लायबिलिटी थोड़ी है, करंट ठीक है। देखिए रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स एसेट है आपके, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल को आप कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट, जो आपके एसेट को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट। तो ये माइनस होंगे, तो नेट रिसीवेबल जाएंगे 51,089, तो करेक्ट आंसर ए। अगर फिर हो सकता था, फिर हो सकता था। अच्छा ये 8.2 और 3 से रिलेटेड डेटा दिया हुआ इसमें, ये बताएं 8.2 इसका बात है नहीं। 8.2 अच्छा, ये रिसीवेबल एक्सपेंस का मतलब रिकवरेबल डेट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा किसका पूछ रहा है? व्हाट अदर एंट्री वाज मेड, ठीक है। जब रिसीवेबल डेबिट हो गए तो आपके रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं, डी आंसर आएगा। एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 8.3 अच्छा इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, क्वेश्चन ऊपर है, रिक्वायरमेंट नीचे। अच्छा इसमें क्या पूछ रहे हैं? व्हाट शुड बी द मूवमेंट इन रिसीवेबल अलाउंस बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा मूवमेंट इन रिसीवेबल मतलब मींस क्या है? मूवमेंट इन रिसीवेबल अलाउंस, चेंज मतलब वहां इंक्रीज या डिक्रीज ना। अच्छा अगर रिसीवेबल अलाउंस में इंक्रीज आ रहा है तो इसे आप एक्सपेंस चार्ज करते हैं, और अगर डिक्रीज आ रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं। अब ये चेंज कितना आ रहा है पहले तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ठीक है जी कैलकुलेट कर लें। रिसीवेबल्स कितने हैं आपके? 78,600, राइट ऑफ किए 600 माइनस हो जाएंगे, तो 78,000 का 1.5% 1170 आ रहा है, तो माइनस करेंगे 1200, 30 का डिक्रीज, डिक्रीज इन अलाउंस है तो ये क्रेडिट हो जाएगा ना, इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा, तो आंसर सी हो जाएगा, क्रेडिट ऑफ 30 का इंक्रीज चार्ज होगा, डिक्रीज क्रेडिट होता है जी, 30 आंसर आ रहा है। अगर इंक्रीज है तो हम उसको इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, और डिक्रीज है तो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करते हैं। क्लियर?
इंक्रीज मतलब एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो चार्ज होंगे, और डिक्रीज एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है उसका एजिंग एनालिसिस रिक्वायरमेंट का वर्क शेड विद अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अलाउंस फॉर रिसीवेबल बताना है सब आप, उस सिंपल परसेंटेजेस लगाएंगे कैलकुलेट करें। वो इसने एजिंग एनालिसिस दिया हुआ है, एज वाइज परसेंटेज अप्लाई करें, क्योंकि पहले इसका 10% और इसका 50%। उसमें क्या करेंगे आप, 25,250 का 10% कैलकुलेट कर लें, 2525, और एक 10,808 का 50%, 5,404 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, 7,929 आंसर हो जाएगा सी। सब ये करना है इसको, ठीक है। इसका 10%, इसका 50% दोनों को ऐड कर लें, आंसर आ जाएगा। पहले वाले पे क्या है, नील है, पहले में नील है, क्लियर। सिंपल है ना भैया, थोड़ा लेंथी होगा उसमें करवाते। अच्छा, अब ये 8.5, इसमें क्या नाम है, फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये इसी तरह होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, तो सॉल्व कर लेते चलें। अब ये बताना, इनकम स्टेटमेंट में बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे ना। अच्छा जी, अब इस पे वन बाय वन कैलकुलेशन करते हैं। 56,800 का 1%, 8.5। अच्छा, पहले कितने रिसीवेबल्स, 56,800, ये आंसर ठीक है, और इसका 1%, 5,68। सेकेंड है 37,700, इसका 20%, 7,540, और 14,900 का 75%, 111,75। तीनों को ऐड कर लें, 19,283। अच्छा, 280 है, जिसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 18,765, फाइव वन एट आ जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस। इनकम स्टेटमेंट में 518 चार्ज हो जाएंगे एज एन एक्सपेंस, ये आंसर होगा अ चार्ज ऑफ 518, क्लियर क्लियर। एक्सपेंस चार्ज होता है ना, ये क्या आ गया, इंक्रीज इन अलाउंस। इंक्रीज इन अलाउंस से एंट्री क्या बनेगी, रिकवरेबल डेट डेबिट और डेबिट, ठीक है, 518, 518। अब ये जो बैड डेट्स हैं आपके, इररिकवरेबल डेट्स, ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस चार्ज होंगे, चार्ज होंगे ना, इसलिए आंसर क्या होगा, चार्ज ऑफ 518, इसलिए ये आंसर होता है। तो नेक्स्ट है 8.6, तो इसमें रिसीवेबल्स पूछ रहा है, बैलेंस शीट में रिसीवेबल का क्या अमाउंट आएगा। एट पॉइंट सिक्स,
908, इसका याद नहीं, आंसर देख लेते हैं। 908 नहीं आएगा, 908 नहीं आएगा। थ्री ओके, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट पूछ रहा है आपने, वो आपने बैटेड एक्सपेंस निकाले, वो बैलेंस शीट पूछ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थ्री सिक्स आ रहा है आपका, ठीक है, देखते हैं अभी आपका 3536, बाकी बताएं। 3 6 आएगा, ठीक है जी, 3 6 जी, आप लोग 3 5 बताएं जी, आंसर नहीं है आपका, आगे 3 5 है। ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 5 या 3 6। सर जी रिसीवेबल्स कितने हैं? 3 7 8 9 0, ये तो 3 7 8 9 0। अच्छा, इसमें से राइट ऑफ हो रहे हैं, पहले माइनस करेंगे, राइट ऑफ कितने हुए? 1 5 7 0 माइनस करें, 3 6 3 2 0, ठीक है। अच्छा, तो ये आंसर नहीं है आपका। देखिए बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, नेट रिसीवेबल, अभी मैंने बताया था बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, नेट रिसीवेबल्स आते हैं ना, ठीक है। और ये भी हमने सिर्फ रिसीवेबल्स फाइंड किए ना, ये तो रिसीवेबल्स, इसमें से आप डाउटफुल डेट्स माइनस करेंगे, कितने 2.5% कितने बन रहे हैं, 908 माइनस करें, ठीक है, 3 5 4 1 2, ये नेट रिसीवेबल्स आएंगे ना, ये आंसर होगा 3 5 4 1 2। जी क्लियर हो गया? अच्छा, तो एसी किसे ऑन किया था, ये वाला ऑफ कर दें, अब इधर आगे बंद कर दो, चले वो कैसे ऑन किया था, से ये वाला ऑन होता है, वो मोबाइल से किया था, ये ऑफ करने वाला मोबाइल कुछ ना, तो आपको पता ही नहीं, खुद ही हो गया, ये वाला ऑफ करना है, ये वाला ऑफ। अच्छा, नेक्स्ट 8.7, राइट ऑफ की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंस डेबिट होंगे, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं ना, ठीक है, सी आंसर होगा, एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, फिर मोड लेके आ जाते हैं, आता है वो आ रहा है, वो ले लो रख लें बस। अच्छा, इसका हो गया 7 का आंसर सी, 8.8 सी आंसर होगा ना, क्या है, हाँ यहाँ पे क्या है, हाँ बी आंसर है, वो तो अलाउंस लिखा हुआ है, बी आंसर है क्रेडिट रिसीवेबल्स, बी आंसर 8.9। अच्छा, रिकवरी की बात कर रहे हैं ना, तो
जिसको हमने एंट्री क्या बनाते हैं, इसकी कैश डेबिट रिकवरेबल डेट्स डेट, तो उसमें आप ये कि एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं, यस को आप अदर एज एन अदर इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डिक्रीज कर देंगे या उसको फिर एज एन अदर इनकम ऐड भी कर सकते हैं। तो बी आंसर हो जाएगा एज सैलरी इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। 8.10। अच्छा, व्हाट शुड बी अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ टू द स्टेट। बेटर एक्सपेंस मालूम करना है इसमें ना। रिसीवेबल्स राइट ऑफ किए 3% अलाउंस उसका कितना है जी? DR है। अच्छा जी, बाकी बताएं। इसमें इररिकवरेबल डेट्स का अकाउंट बनेगा ना? अकाउंट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आंसर याद नहीं। सो राइट ऑफ कितने हो रहे हैं? 275 तो राइट ऑफ हो गए, तो बाकी इसका डिफरेंस निकालेंगे। 3% कितने बने? 360। 360 माइनस 400, 40। 40 माइनस करेंगे 235। डी डी है मल्टीप्लाई क्या माइनस क्या? ये आप सोचो जी। 226 ऑप्शन ही नहीं है। 235 भी नहीं हो, खुद ही कह रहे हैं नहीं होगा जी। क्यों करें? हाँ तो 3% भी तो दिया मैं, संडे से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू से क्या जी। डी आंसर आ रहा है, टी आएगा 235। समझ में नहीं आ रहा आपको, करवाता हूँ। इसमें बनेगा बैडेट्स का टी अकाउंट बनाते हैं, करवाता हूँ। ये घर पे ना पढ़ने का नतीजा है, बिल्कुल हरकतें ही ऐसी हैं आपकी, ताने सुनेंगे आप। बहुत सुधरने वाले नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, राइट ऑफ कितने की है? 275। ये डेबिट हो जाएगा 275, ठीक है। इसके बाद अब डाउटफुल डेट्स निकालेंगे, कितने? 3% है ना, 3% ऑफ 12,000, ठीक है। ये 12,000 का 3% आ गया 360। इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस होगा 400 माइनस, तो -40 आ गया। डिक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री क्या होगी? अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट होते हैं, 40 से क्रेडिट हो गए। अब अकाउंट क्लोज करेंगे 275, 275 -40 करेंगे तो 235। आपके बैड डेट एक्सपेंस आ जाएंगे जो हम चार्ज कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो ये हमने 12, हाँ 275 12,000 से माइनस क्यों नहीं किए जी? ईयर एंड की बात नहीं हो रही। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 6? याद है हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 6? इसमें मैंने क्या बताया? 2385 को हमने रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट किया था, याद है? सॉल्यूशन देखें, इसे हमने रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट किया था, मींस रिसीवेबल से माइनस किया था ना। और ये जो 1, 2, 3, 4 है, इसे हमने सिर्फ रिकवरेबल डेट्स अकाउंट में डेबिट पर रिकॉर्ड किया।
रिसीवेबल में क्रेडिट नहीं किया था, मतलब रिसीवेबल से माइनस नहीं किया। एक अमाउंट हमने माइनस किया 2385, दूसरा हमने माइनस क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये हमने ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए थे, तो ये ऑलरेडी माइनस हो चुके थे, और ये 2385 ईयर एंड पे राइट ऑफ किए, तो ये माइनस किए थे हमने ना, राइट। तो यही वजह यहाँ पर है। अब देखिए ये राइट ऑफ कब हो रहे हैं, 275 हमने कब राइट ऑफ किए, ये ड्यूरिंग द ईयर या ईयर एंड पे? ड्यूरिंग द ईयर है ना, या ईयर एंड है? कहाँ लिखा ड्यूरिंग द ईयर, कहाँ लिखा है, कैसे पता चला? हाँ ये लिखा हुआ है इन द ईयर, इन द ईयर मतलब वही ड्यूरिंग द ईयर हो गया ना बात, ठीक है। तो ये हमने इन द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर एक ही बात है, ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किए थे, इसलिए रिसीवेबल से माइनस नहीं होंगे, ये ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है आपने कि जो राइट ऑफ हम कर रहे हैं वो ड्यूरिंग द ईयर हो रहे हैं, इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर या ईयर एंड से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होंगे इस वजह से। अब 8.11, अच्छा देखिए इसमें बताएं, ये आपके रिसीवेबल्स हैं 4 लाख के, अब ये इसने राइट ऑफ किए 38,000, ये माइनस होंगे नहीं होंगे? अब यहाँ बताएं माइनस करें या ना करें, ये माइनस होंगे यार, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कब माइनस कर रहे हैं कब माइनस नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें भी वही आपको बैडेट एक्सपेंस मालूम करने हैं, सॉल्व करें, पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। रिसीवेबल्स ही हमें अलाउंस फॉर रिसीवेबल है, इसने राइट ऑफ किया, उसके बाद 10% डाउटफुल है, आपका भी आ रहा है देख लेते हैं, याद नहीं आंसर चेक कर, भी आंसर हो सकता आपका डी आ रहा है, ठीक है डी आ रहा है, भी नहीं आएगा, बी कह रहे थे ना, फिर किसी जी क्या रहे, डी होगा। अच्छा जी बाकी बताएं, हाँ इफ्रा बताएंगे जी, मौलवी साहब हाँ बातें तो बहुत करते हैं आप, आंसर बताएं आप। अच्छा आपका डी आ रहा है और आपका भी डी आ रहा है बगैर सॉल्व किया, ठीक न्यू एडिशन में डला दें सर जी, हाँ आंसर सी या डी में से होगा, ए और बी नहीं है, सी या डी है, हाँ ए और बी नहीं होगा, सी या डी आएगा, डी है, ठीक है। तो ये डी आंसर सॉल्व करवा देता हूँ, तो इसमें राइट ऑफ कितने कर रहे हैं, 38,000, ये रिकवरेबल डेट्स अकाउंट डेबिट होगा 38,000 से। अच्छा इसके बाद अब हमारे रिसीवेबल्स कितने हैं, 4 लाख, वर्किंग कर लेते हैं, रिसीवेबल्स हैं 4 लाख, माइनस करेंगे राइट ऑफ 38,000, कितने रह गए, 362,000। अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं, 10%, इसका 10%, 36,200, इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 50,000, माइनस 50,000, ये आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस 13,800, और डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होती है अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट, ये रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो गए, ठीक है। आप ये क्लोज करते हैं अकाउंट, 38,000 माइनस करते हैं 24,200 आपके इरिकवरेबल डेट्स आ गए,
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर? ऑप्शन डी अच्छा, द नेक्स्ट 8.12 रिसीवेबल अलाउंस है, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हो रहे हैं। अच्छा बताइए, जो राइट ऑफ किए इसने 146,000 राइट ऑफ, ये रिसीवेबल से माइनस होंगे या नहीं? नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ हो रहे हैं, ठीक है, माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें बताने क्या है, वो इनकम स्टेटमेंट का ही बताना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वेटेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे। 218 तो ये हो गया, ठीक है, बी या सी में से आएगा, सी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें वैल्यू सी में सिर्फ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अच्छा, राइट ऑफ कितने की है? 146,000। अच्छा, यहाँ अलाउंस कितना है? 2,18,000, ओपनिंग था 83, 2,18,000 में से 83,000 माइनस करेंगे, लिख देता हूँ, अकाउंट भी बनेगा इरिकवरेबल डेट्स का 8.12। पहले हम राइट ऑफ रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट ऑफ कितने की है? 1,46,000, वर्किंग कर लेते हैं। अब डायरेक्ट उसने यहाँ अलाउंस का अमाउंट दिया हुआ है 2,18,000, माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 83,000, 1,35,000, ठीक है, तो ये आ गया इंक्रीज इन अलाउंस। इसके एंट्री हो गई इरिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट, टोटल करते हैं 281,000, और ये हो जाएंगे हमारे करंट ईयर के एक्सपेंस, जिसे हम चार्ज कर देंगे इनकम स्टेटमेंट, 281। आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन, कैश डेबिट रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे, बी आंसर होगा इसका। अच्छा, ये थी हमारी बीपीपी के एग्जाम के आसान क्वेश्चन, ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे कैपलान के किट, उसमें थोड़े मुश्किल क्वेश्चन हैं, तो पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर जी सॉल्यूशन। आवाज नहीं आ रही, फैन ऑफ कर ये जरा पीछे वाला जो अच्छा जी 192 जी
फाइंड करने ठीक है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। जी आंसर हाँ करें तो क्या रन कर क्या चीज जी आंसर ए आंसर आ रहे उधर, ए आंसर लास्ट में हम लोग। अच्छा इसमें भी रिकवरेबल डेट्स अकाउंट बनेगा। अभी आएंगे। अच्छा राइट ऑफ कितने की है? 8900, तो ये इररिकवरेबल डेट्स डेबिट हो गए। ठीक है इसके बाद आप वर्किंग करते हैं। अच्छा अब ये एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स इसने दिए हमें पहले 1350 और 750, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है दोनों 30 यहाँ लिख लेता, 1350 प्लस 750 टोटल कितना हो गया 2100। ये हो गया एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 5650, तो -3550 आ जाएगा डिक्रीज इन अलाउंस। अच्छा इसकी एंट्री क्या होगी? अलाउंस फॉर रिसीवेबल डेबिट इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। अब माइनस करते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है 5350, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ए था करेक्ट आंसर। ठीक है जी इसमें क्या प्रॉब्लम? नो क्वेश्चन नंबर 193। अच्छा अब ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बल्कि काम करें पहले ये बताएं 194 बताएं फिर 193 करेंगे। 194 बी आ रहा है आपका। अच्छा जी बाकी बताएं बी। अच्छा और बी आ रहा है तो छह बी साइड कर रहे हैं बी। ठीक है
भी आ रहा है आपका। ठीक है, बी आंसर रहेगा। देखिए रिसीवेबल्स कितने, 838,000, राइट ऑफ ये 72,000 माइनस कर देंगे तो रिसीवेबल्स आ जाएंगे 7,66,000। ऑब्वियसली अलाउंस फॉर रिसीवेबल दे दिया आपको एंड पे कितने 60,000, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल 60,000 होंगे, नेट रिसीवेबल्स रह जाएंगे 7,06,000, 7,06,000 ऑप्शन बी। अच्छा तभी याद रखें, ये नेट बैलेंस शीट में हम क्या लेते हैं, नेट रिसीवेबल्स आते हैं ना, बैलेंस शीट में नेट रिसीवेबल्स आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 193 तो रीड कर लें, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा फाइंड करना कि हमें वो व्हाट इज नेट रिसीवेबल फिगर ठीक इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो नेट रिसीवेबल्स बताने हैं आपको, तो पहले रिसीवेबल्स आई होंगे उसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल, तो नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे ना। ठीक अच्छा, अब इसने हमें रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000, ये मतलब 2005 का क्लोजिंग है, तो 6 का ओपनिंग हो जाएगा ना, ठीक है वो रिक्वायरमेंट में क्या लिखा है 31 दिसंबर 2006, ये 5 का क्लोजिंग है 6 का ओपनिंग बैलेंस होगा। तब हमें रिसीवेबल का पहले क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा, फाइंड करना होगा, उसमें से फिर अलाउंस का क्लोजिंग माइनस करेंगे तो नेट आएंगे ना, तो इसमें हम बनाते हैं एक रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाएंगे, रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बनेगा, यह है 193। अच्छा इसका ओपनिंग बैलेंस बताएं क्या लेंगे, ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का 12,000, 12,000 मतलब वो 6 का ओपनिंग बनेगा ना, ये 2005 का क्लोजिंग है तो 6 का ओपनिंग होगा, अब हमें बताना है 6 का क्लोजिंग, तो ये ओपनिंग बन जाएगा ना, ओपनिंग लिखते हैं, ये ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है तो ओपनिंग बैलेंस लेंगे क्या, यहाँ क्या लिखूँ, 12,000 नहीं आएगा, 12,000 नहीं आएगा, बैलेंस तो बता दें पहले फिर आंसर आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस ही गलत लिखेंगे तो क्लोजिंग कैसे सही आएगा, 12,959। ओपनिंग बैलेंस बताएं क्या लेंगे, 12,000 गिवन है लेकिन 12,000 नहीं आएगा, और से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, तेरह हजार 150, ठीक है 13,150, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, रिपोर्टेड नेट रिसीवेबल्स, ये है नेट रिसीवेबल, ठीक है तो बैलेंस शीट में हम क्या लिखते हैं, नेट रिसीवेबल, और जो टी अकाउंट का बैलेंस होता है वो ग्रॉस होता है ना। जैसे अभी हमने क्वेश्चन 194 किया था, तो जब हम रिसीवेबल का बैलेंस क्या है 766, अलाउंस का बैलेंस कितना है 60,000, तो नेट कितने हैं 706, तो बैलेंस शीट में तो नेट रिसीवेबल्स आते हैं ना, जबकि टी अकाउंट में ग्रॉस आते हैं, तो यहाँ पे इसने हमें नेट रिसीवेबल्स दिए हुए अलाउंस लेस करने के बाद, और रिसीवेबल अकाउंट में हम क्या लेते हैं ग्रॉस अलाउंस लेस करने से पहले, तब हमें इसमें ग्रॉस रिसीवेबल्स निकालना होंगे। हाँ तो देखिए अगर इसमें यहाँ से कैलकुलेट करें 194 से, तो इसमें क्या होगा 706, इसमें 60 ऐड होंगे तो ये 766 आएगा ना, ग्रॉस बनेंगे। तब हमें 12,000 में अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बैलेंस ऐड करना होगा ओपनिंग बैलेंस, तो ग्रॉस आएंगे। अच्छा अब ये हमारे रिसीवेबल्स कब के, दिसंबर 5 के एंड पर हैं, तो यानी कि 6 का ओपनिंग हो गया ना, अब इसमें ये बताएं कि अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 1,150, 11,150 नहीं, 11,150, हाँ 11,150 हुई ना। अच्छा देखिए क्या लिखा, इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 950 to 2100, तो अलाउंस को इंक्रीज कर रहा है 950 से, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज होके कहाँ पहुंच गया 21 पे, तो इंक्रीज से पहले क्या थे 1150 होंगे ना, माइनस करें। लेकिन जो भी आपका अलाउंस का बैलेंस था, सपोज कर लें एक्स, इंक्रीज कितने से किया उसने, तो इंक्रीज होकर कितने हो गए 2100 हो गए ना, इंक्रीज के बाद, तो इंक्रीज से पहले कितने थे 1150 होंगे ना, माइनस करेंगे 1150 बनेगा इसका ओपनिंग बैलेंस,
नहीं समझ आया? क्योंकि देख इंक्रीज के बाद तो क्लोजिंग आता है ना, सीडी बैलेंस। हम इंक्रीज कैलकुलेट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। ठीक है, तो इंक्रीज के बाद 2100, तो इंक्रीज से पहले 1150 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे रिसीव अलाउंस को और रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब यहाँ नेट रिसीवेबल्स कितने हैं? 12,000। अब ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग है 1150, दोनों को ऐड करेंगे ये हमारे ग्रॉस रिसीवेबल्स आ जाएंगे 13,150। टी अकाउंट में हम लिखेंगे 13,150। अच्छा, और अगर अलाउंस अकाउंट बना लें, वैसे तो जरूरत नहीं है एक नॉलेज के लिए। अब हम अगर अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या बनेगा? 1150 बनेगा। ठीक अच्छा, ये जस्ट क्लियर हो गई। अब याद रखिएगा, रिसीवेबल अकाउंट में हमेशा ग्रॉस रिसीवेबल्स आते हैं, नेट नहीं आते। अब बाकी ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं। क्रेडिट सेल्स हैं 125,000। ठीक है, और उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ठीक है, तो 11,155,000। उसके बाद है बाकी, फिर ये राइट ऑफ किया उसने 7,100, क्रेडिट हो गए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब अब रिसीवेबल का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल कितना बन रहा है? 131,38,150। डेबिट का टोटल 138,150 ना, 130,150। माइनस करें इसमें से क्रेडिट साइड सीडी बैलेंस। ठीक है, ये रिसीवेबल्स आ गए। अच्छा, हमें फाइन क्या करना है? नेट रिसीवेबल्स फाइन करने ना। अब रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,555,000। इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा, क्या माइनस करें बताएं? 2,100 माइनस होंगे ना, 2,100। देखिए, ओपनिंग बैलेंस था 1150, इंक्रीज कितने का आ रहा था? 950। तो इनक्रीज की एंट्री होती है इररिकवरेबल डेट्स, डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट। तो 950 क्रेडिट होंगे, टोटल बनेगा 2,100। 2,100 तो कैरी डाउन होगा 2,100 का। ठीक, तो यहाँ से माइनस करेंगे 2,100, 13,450। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके नेट रिसीवेबल। ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, ये कॉपी कर लें। क्लियर? ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, पिक्चर लेने जाए ले लें, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे मेरे। नहीं पता आप लोगों को? बता देता हूँ, चलें क्लास के एंड बताता हूँ। इररिकवरेबल डेट्स फाइंड करने, तो इररिकवरेबल डेट्स का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं। तो पहले तो इसमें आप लिख लें कि राइट ऑफ ये दिए हम आपको सेल्स हैं, उसके बाद 5% रिसीवेबल्स हैं, और उसमें से 4% उसके डाउटफुल हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से 20% हायर है ना। अच्छा, ये भी कैलकुलेट करते हैं। राइट ऑफ कितने की है? 3,200। तो ये रिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद राइट ऑफ रिवर और रिकवर कितने हो रहे हैं? 450। तो इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे ना। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? इंक्रीज और डिक्रीज इन अलाउंस, उसके वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये सेल्स है आपके पास 7 मिलियन की सेल्स हैं, और जिसमें से रिसीवेबल्स कितने हैं? 5%। रिसीवेबल्स कैलकुलेट करते हैं पहले 7 मिलियन का 5%, 3,50,000 रिसीवेबल्स आ गए।
अच्छा अब इसमें से डाउटफुल कितने हैं? 4%। तो आप लिखेंगे एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स डीडी 4%। तो 3,50,000 का 4% 14,000 आ गया। ठीक, इसमें से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। अब देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़ें जरा गौर से। ठीक है, तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितना है? एट 4% ऑफ रिसीवेबल एंड एज अ रिजल्ट डिस्कवर्ड दैट द अलाउंस इज 20% हायर देन एट द प्रीवियस ईयर एंड। अच्छा, प्रीवियस ईयर एंड जो था वो इस ईयर का ओपनिंग हो जाएगा ना। वो कह रही है जो आप 4% कैलकुलेट करेंगे ये ओपनिंग बैलेंस से 20% हायर है। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा इसमें से हम क्या करते हैं, देखिए अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं ना। अब हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए, ठीक है, यहाँ गिवन नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इन्फॉर्मेशन दी है उसने, देखिए विशेष टू मेंटेन अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 4% ऑफ रिसीवेबल, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 14,000 आ गया। अब वो कह रहे कि एंड एज अ रिजल्ट डिस्कवर्ड दैट द अलाउंस इज 20% हायर देन एट द प्रीवियस ईयर है, यानी कि लास्ट ईयर एंड पे जो हमने एस्टिमेट किया होगा ये 14,000 उससे 20% हाई ज्यादा ज्यादा है। तो अब वो प्रीवियस ईयर वाला कितना था, अब वो कैलकुलेट कर रहे हैं हम। अब 14,000 प्रीवियस ईयर से 20% ज्यादा है, तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या था? 17,000, 70,000, 500 कैसे होता है, 14,000 से कम होगा ना ये। 14,000, 14,000 20% हायर है तो वो 14,000 से कम होगा, ज्यादा थोड़ी होगा, 11,200 आ रहा है। अच्छा जी, चेक करते हैं आपने कैसे कैलकुलेट किया। 14,000 आपने लिखा होगा, इसका आपने निकाला 20%, कितना बना? 2,800 बचा गया, 11,200, और ये आंसर हो गया रॉन्ग आप। अच्छा, ये हो गया रॉन्ग। देखें ये जो आपने कैलकुलेशन की, ये क्या शो कर रही है कि जो 11,200 है वो 14,000 से 20% कम है। 11,200 14,000 से 20% कम है, यही शो हो रहा है ना। अच्छा, इसको चेक भी कर लेते हैं, 11,200, अब इसका 20% ऐड करेंगे तो 14,000 बनना चाहिए, बनना चाहिए। 14,000 प्रीवियस ईयर से 20% हायर है, अगर इसको हम सही मान लें तो इसका 20% इसमें ऐड करें तो 14,000 आंसर आना चाहिए। कितना बन रहा है? 2240 बन रहा है ना, दोनों को ऐड करें, ये तो 13,000 आया, 14,000 नहीं बन रहा ना, इसका मतलब 11,200 रॉन्ग हो गया। राइट, सुन ले जरा, वो याद है आपको, अब मैं बता रहा हूँ, सेल्स टैक्स पढ़ा था हमने, नेट प्लस वैट इक्वल्स टू ग्रॉस होता है ना। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी, नेट होता है हमारा 100%, उसमें वैट ऐड करते थे ग्रॉस बन जाता है 120% ना। तो देखिए इसको आप सपोज कर लें, ये आपका जो प्रीवियस बैलेंस है वो एक्स है, आपने इसमें ऐड करना है 20% ऑफ एक्स, ये कितना बनेगा? 14,000, यही है ना। दो तरीके से समझाते तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 0.2x equals to 14,000, ऐसे क्या ये बनेगा 1.2x equals to 14,000 और x equals हो जाएगा 14,000, 14,000 divided by 1.2, x कितना आएगा राउंड ऑफ करके 667 कर देते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने वहां पढ़ा था सेल्स टैक्स में नेट प्लस वैट इक्वल्स टू ग्रॉस ना। अच्छा, ये एक्स अमाउंट है, इसमें आप ऐड करेंगे 20% ऑफ एक्स, तो कितना बनेगा?
14,000, ठीक है। तो अब ये एक्स हो जाएगा 100%, ये 20% और ये होगा 120%, ठीक है। अब एक्स कैलकुलेट करेंगे, आप क्या करेंगे, 14,000 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें 120 से। अच्छा जी, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी याद रखना है वो था 100%, ये 20 हायर, तो ये 120 माइनस करें, क्या रहे 2333 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका इंक्रीज इन अलाउंस, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 55 33 508 आंसर होगा ए। जी तो ये आप इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ठीक है। अच्छा आपके को हैंड किट में इसने ये 11,667 दिया हुआ है, ये सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, इजी कर दिया उसने। ठीक है जी, चले नेक्स्ट। चलिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा 196 अच्छा इसमें पेन, रिकवरी गारंटी बतानी है ना, बिजनेस नॉट कस्टमर हैज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट द बिजनेस हैड प्रीवियसली। अच्छा तो राइट ऑफ बताना है, बल्कि राइट ऑफ किसने, ए आंसर होगा। अच्छा ठीक, 198 198 आप लोग कह लीजिएगा, इसमें रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, ये तो हो जाएगा 199, थोड़ा डिफरेंट है, ये देख लेते हैं 199 माइनस नहीं होता, बट लेकिन इसमें उसका काम नहीं है। हाँ अच्छा, इसमें बैड डेट एक्सपेंस मालूम करने, रिकवरेबल डेट्स का अकाउंट बनेगा, रिसीवेबल्स अलाउंस फॉर रिसीवेबल, आसान है क्वेश्चन। Thank you.
जी आंसर आया आपका क्या रहा है? एक आपका भी आ रहा है एक। लास्ट में आप लोग तीनों आंसर बताएं इसका आंसर क्या। जी आप क्लास में बैठे क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करें। याद है नहीं हुआ समझ लो कर रही आंसर ये बताया ए बगल सवाल किए ठीक है करवा देता हूँ। ए आ रहे हैं पहले ए होगा ठीक है देख लेते हैं करते हैं चलो जी 199 क्या रहे हैं? ए हो गया समझ आ गया। अच्छा जी पहले तो ये रिसीवेबल्स हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल दिया हुआ है। अच्छा इसके बाद ये राइट ऑफ किया ना 800 और 550 800 डेबिट 550 डेबिट होगा। अच्छा इसके बाद ये आपके 350 रिकवर हो रहे हैं क्रेडिट हो जाएंगे ठीक है। अब इसमें हमें इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। अच्छा अभी अलाउंस फॉर रिसीवेबल ईयर एंड पे कितने हैं 2300 ना ठीक है। ये जो हो गया हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। ओपनिंग बैलेंस कितना है 2500 माइनस करेंगे तो माइनस डिक्रीज आ गया ठीक है। डिक्रीज में क्या होता है रिकवर 25 है ना ठीक है। अच्छा डिफरेंस कितना आ गया 200 का डिक्रीज तो इसमें रिकवरेबल डेट्स क्रेडिट हो जाएंगे ठीक है जी। टोटल करते हैं 1350 माइनस कर देंगे तो जीरो और माइनस करेंगे आ रहे हैं 800 आ जाएगा तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होंगे 800। क्लियर ऑप्शन ए। यहां से डिक्रीज इन अलाउंस अलाउंस कितना था एंड पे 23 और ये ओपनिंग था 25 माइनस 200 आ गया माइनस 200 से आपके रिकवरेबल डेट्स क्या है। तो ये 200 200 इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल इंक्रीज इन नेट करंट एसेट डिक्रीज इन नेट करंट एसेट इंक्रीज सबसे बी आंसर होगा क्योंकि इससे रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे तो करंट एसेट भी कम हो जाएगा। 201 आसान है चल इनकम स्टेटमेंट में बताना है डेबिट होगा क्रेडिट होगा चार्ज ए आ रहा है आपका भी आ रहा है ए। जी ए आंसर ठीक है। अच्छा इस पे अलाउंस कितना है इसका 450 985,000 वर्किंग करवा देता हूँ 450 980 टोटल क्या बन रहे हैं 6430 इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 11,700 माइनस करें
5270 डिक्रीज इन अलाउंस, डिक्रीज है तो ये इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी ए, हाँ 5270 क्रेडिट ए आंसर। ओके जी, कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस, ठीक है। तो घर जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेप्रिसिएशन। कल तो नहीं है।